नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झांसी नवाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी निर्देशन में सीओ सिटी के परीक्षण में नवाबाद पुलिस द्वारा 12 वर्षों से फरार चल रहा है 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त चोरी और हत्या में 12 वर्षों से वांछित था। आयुक्त का नाम जुगनू पादरी है, जो शातिर किस्म का अपराधी है। पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यह नाम की राशि पुरस्कार के रूप में नवाबाद पुलिस को दी जाएगी। सर, एक व्यक्ति पकड़ा है, कितने साल फरार रहा, क्या था? एक व्यक्ति जुगनू पारधी को थाना नवाबाद झांसी पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में पकड़ा गया है, जो वर्ष 2012 से फरार चल रहा था। वह घरों में ग्रिल काट कर चोरियां करने वाले गैंग का सदस्य है और 96/2 सिविल लाइन थाना नवाबाद के में चोरी करने के एक मामले में मुकदमा अपराध संख्या 267/2012 में वांछित था। उसको थाना नवाबाद पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है और उससे एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इसने हत्या भी की थी क्या? एक हाँ, उसमें एक मृत व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और सामान भी चोरी हुई थी, उसमें इनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। कितना लोग शामिल थे पहले इस घटना? इस व्यक्ति पे 25,000 रुपए का पुरस्कार इसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा नियत किया गया था, जो गिरफ्तार करने वाली टीम को प्रदान किया जाएगा। कैसे पकड़ा जी, कहाँ, कैसे सूचना मिली? 8 साल से फरार था ये। जैसा कि आप अवगत हैं, शीतकाल में ऐसे गैंगों का कार्य बढ़ जाता है जो घरों में घुस करके रात में चोरियां करते हैं। इस क्रम में शासन स्तर से भी, एडीजी जोन साहब के यहाँ से भी, आईजी रेंज साहब के यहाँ से भी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए थे कि सुराग रसी, पता रसी बढ़ा दी जाए, गश्त बढ़ा दी जाए। उस गश्त के क्रम में हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल रहे हैं कि कहां कहां और इन्होंने अपराध किया है, उसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि घरों में चोरियां ना हो। सर, चेकिंग में पकड़ा गया, मुठभेड़ हुई, ये इनके साथ कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है और विस्तृत विवरण आपको प्रेस नोट में हमने दे दिया है और कोई जानकारी होगी तो आपको प्रदान की जाएगी।